हेलो एवरीवन गाइस कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यहाँ भी मैं भी अच्छी हूँ तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और जिसने सब्सक्राइब करा है वो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट एंड शेयर तो गाइस यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता जो कि मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर बन चुकी है चाय चाय बनाने के बाद जो ये केतली है इसमें दूध है जो कि है प्योर गाय का दूध है वो हमारी खुद की गाय है तो उनका ही दूध निकलता है तो वही घर पे आता है और इसी की जो मलाई होती है ना गाय तो इससे ही ना हम गाय का घी निकालते हैं वो भी शुद्ध वाला और सामने आप देख ही रहेंगे पूजा हो गई और ये गद्दा जो सामने बिछा हुआ, हुआ है ना ये पीरान वगैरह और लाडो वगैरह खेलते हैं इससे उसके साथ ही मैं यहाँ पे दूध वगैरह और जो सामान रखा है वो फ्रिज में रख दूंगी और फिर मैं यहाँ पे अपना राइस वाटर टोनर लगा लूँगी क्योंकि है ना फिर ये स्किन केयर ये भी साथ ही साथ होता रहता है वैसे तो मैं कर नहीं पाती हूँ तो ये जो आप बना के और लगाइए बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे बस कुछ भी नहीं करना चावल रात को भिगो देना है और उसको अच्छे से सुबह मतलब उसको मसल के उसका सारा पानी निकाल के छान के एक स्प्रे बॉटल में रख लेना है आपको तो यहाँ पे ये जो मैं सब्जी वगैरह खोल रही हूँ तो इसमें है भिंडी भिंडी की सब्ज़ी है जो कि है ना हमारी खेत की है और इसमें देखो दो तीन चीजें मिक्स है ये देखो ये फली है इसमें और है और ना इसमें हरी मिर्ची भी है दो चार पर ज्यादा नहीं है थोड़ी थोड़ी है तो ये थोड़ी थोड़ी चीज जो भी आई है ये सब हम मिक्स करके बना देंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी खेत की है तो गाइस कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ना तो इसमें कोई केमिकल है ना इंजेक्शन द्वारा ये सब्जी मतलब बड़ी की गई है तो बस है ना घर पे ऑर्गेनिक सब्जियां हैं अब यहाँ पे मैं चाय वगैरह छान लूँगी फिर हम करेंगे नाश्ता और दोपहर में मैं करूंगी मेरे बेड में जो मैंने जैसे कि आपको बोला था दिवाली की सफाई स्टार्ट है क्योंकि ये तो अब दिवाली तक ही खत्म होगी उसके बाद मैं क्या करूंगी मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह सारे वॉश करे थे अब उनकी आई है बारी रखने की तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे में एक है ना ये जो कम मतलब बेड पे बिछाने का ही होता है जैसे सिंपल सा है ये मैंने ये जो कपड़े का बनता है इसको जैसे गुदड़ी टाइप बोलते हैं तो इसको हम बिछा लेंगे मैं और वीरानश मिलके फिर यहाँ पे सबसे मोटा कम्बल जाएगा सबसे नीचे फिर उसके बाद जाएंगे और भी एक एक करके सारे कम्बल इससे क्या होगा गाइस है ना थोड़ा सा जो हमारे बाहर बहुत सारा मतलब फैला फैला सा दिखता था ना वो सारा सेट हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी गोलियाँ क्लोरो न, पता नहीं क्या बोलते हैं क्लोरोफॉम बोलते हैं क्या बोलते हैं आई नो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है तो इससे क्या आपके जो कपड़ों में है ना वो स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी जो स्मेल आएगी ना वो चली जाएगी और इसकी खुशबू है ना इसमें ही आती रहेगी अगर आप लोग है गोलियां डालते हैं ना तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो खुशबू आती है ना इसकी वजह से ही आती है और अगर ये नहीं डालते हैं तो इससे क्या कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं और मकड़ी वगैरह भी आ जाती है अगर ये डाल देते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है चाहे कपड़े कितने भी दिन के बाद आप निकालते हैं ये और फिर है ना जैसे कीड़े वगैरह भी नहीं लगते तो डर भी नहीं रहता कि क्या इस इसमें कीड़े निकलेंगे हम बैट वगैरह खोलेंगे तो मैं तो मेरी अलमारी बैट सारी जगह रख देती हूँ और है ना गाइस मुझे मेरे गद्दों के कवर मंगाने क्योंकि मेरे गद्दों के कवर है ना बिल्कुल बेकार हो गए हैं बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं फिर इसके बाद है ना देखो आप कितने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं धो दू धुले हुए इन सबको भी है ना अच्छे से तय करके रखना है क्योंकि है ना बेड में तो जमा दिया था सारा सामान उसके बाद है ना ये बाहर जो बहुत सारे कपड़े सोफे पे आपको दिखाए होंगे मैंने व्लॉग में तो ये वाले भी सारे कपड़े ना मुझे तय करके रखने हैं बहुत ज़्यादा है मतलब मतलब मैं दुखी हो गई कपड़े मतलब हटा मुझे समझ में नहीं आता साथ ही साथ क्या होता है क्या ना काम भी होता रहता है घर का और अभी से अगर हम सफाई स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से तो क्या होता है मैनेज हो जाता है एक साथ फिर होता नहीं है गाइस तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा रूम सेट कर दिया फिर उसके बाद है ना मैं रूम सेट करने के बाद अब खाना खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मैं आपको पाँच मिनट के व्लॉग में पूरा दिखा देती हूँ लेकिन मुझे बहुत टाइम लगता है लेकिन मैंने बस अभी पूरा रूम नहीं किया बस कपड़े वगैरह ही सेट किए बाकी इधर उधर सामान तो ये तो चलता ही रहेगा आपको तो पता ही है बच्चे हैं घर में तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है अच्छी लगती है ना गाइस तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ओके दोस्तों बाय बाय